फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बताएंगे आप जीएसटी इनवॉइस ऑटोमेटिक कैसे बना सकते हैं। इससे पहले जीएसटी इनवॉइस ऑटोमेटिक कैसे बनाएंगे उसका फॉर्मेट मैंने बनाया था, तो अगर वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आई बटन में भी आपका लिंक दे दूंगा, उधर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो आपका जीएसटी इनवॉइस बनाया था वो जीएसटी इनवॉइस सही है। अभी इसमें मैं कुछ कस्टमाइज करूँगा तो और भी अच्छा अट्रैक्टिव लगे इसके लिए आप लोगों को। तो दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, जस्ट सिंपल इसका कलर चेंज करना है। तो ओरिजिनल जो बिल होता है उसी की जैसा आपको लगेगा। इसके लिए इसका थोड़ा कलर में कर देता हूँ चेंजेस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए पूरा ऑथराइज सिग्नेचर तक मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको करना है वाइट कलर में फिल। जैसे ही वाइट कलर करेंगे तो देखिए इसमें पूरा अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी थोड़ा इनवॉइस को ब्लैक कलर कर दिया, ऊपर में कर देता हूँ ब्लैक और उसको कर देता हूँ वाइट। तो अभी ये आपका देखिए जो ओरिजिनल बिल होता है उसी की जैसा लग रहा है। तो इसके लिए मैं इसका कलर चेंज कर दिया, जैसा बिल होता है इनवॉइस वैसा ही बना के दे दिया आपको। दोस्तों, आप चाहे तो कलर चेंज कर सकता है या फिर छोड़ दीजिए। तो आज हम बात करेंगे देखिए, आज ये बिल में आप कैसे ऑटोमेटिक वेंडर का नाम, आइटम का नाम, उसका प्राइस लिस्ट, उसका जो आइटम का नेम है वो कैसे ऑटोमेटिक यहीं पे लेके आ सकते हैं। देखिए मैंने आइटम नाम इधर वेंडर का नाम सब लिख कर साइड में रखा हूँ। इसको अभी क्या करना है आपको, इधर ऑटोमेटिक जनरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है सभी सेल्स में। तो अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए डाटा में जाइए, डाटा वैलिडेशन में जाइए, उसके बाद उधर लिस्ट में जाके क्लिक करना है। लिस्ट करने के बाद देखिए आपका जो सेल्स है जो आप उधर मेंशन करना चाहते हैं वो मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने वेंडर में रखा है, तो पूरा वेंडर को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देता हूँ। तो जितना भी वेंडर है आपको यहाँ पे शो करेंगे, आप चाहे तो इधर कुछ भी एंट्री करेंगे तो इधर आपका ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। अभी दोस्तों, ये जैसे ही वेंडर का नाम आया है तो नीचे उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वी लुक अप का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने लगा देता हूँ वी लुक अप का फार्मूला। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है आप किसके थ्रू निकालना चाहते हैं, मैं वेंडर के थ्रू निकालना चाहता हूँ तो वेंडर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद अब क्या निकालना चाहते हैं, कहाँ से निकालना चाहते हैं, तो मैंने टेबल एरे ले लिया, ये पूरा टेबल एरे आपको ले लिया। उसके बाद आपका पूछ रहे इसका कॉलम नंबर कितना है, तो मैंने क्या निकालना है एड्रेस, तो एड्रेस का दो नंबर पे है तो इसको कर दिया मैं जस्ट दो। उसके बाद कॉमा दे दिया, फिर जीरो दे दिया, ब्रैकेट दे दिया, क्लोज कर दिया, ओके हो गया। अभी देखिए उसी का वेंडर का एड्रेस यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका बना सकते हैं इनवॉइस में जैसे वेंडर। अभी उसका मोबाइल नंबर लाना है, सेम फार्मूला ही है आपका, वी लुकअप लगा दिया। वी लुकअप लगाने के बाद आपको क्या करना है, वेंडर सेलेक्ट करना है, जहाँ से आप वो वेंडर का नाम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। तो मैंने ऊपर में वेंडर का ले लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद टेबल एरे, टेबल एरे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कॉमा देना है, इंडेक्स नंबर कितना है, कॉलम नंबर 1 2 3, तो मैंने 3 कर दिया। 3 करने के बाद देखिए कॉमा देने का, उसके बाद फिर से आपको लगाना है 0 और ब्रैकेट क्लोज, तो उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। देखिए अभी जैसे ही वेंडर का चेंज करेंगे तो मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसका मोबाइल नंबर फिलहाल है नहीं, तो इसके लिए 0 दिखा रहा है, इधर मोबाइल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार का आप कुछ बना सकते हैं, कोई भी वेंडर का नाम चेंज करेंगे तो उसका आपका ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर एड्रेस चेंज हो जाएगा। अभी यही फार्मूला हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले लिस्ट में गया और इधर कर दिया लिस्ट, ठीक है। डाटा वैलिडेशन में जाके आप लिस्ट ले लेना, उसके बाद ये आपका आइटम जितना है उसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो जैसे ओके करेंगे जितना आइटम है आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आइटम को ले सकते हैं। अभी क्वांटिटी और रेट, आप चाहते हैं जो आइटम आप सिलेक्ट करेंगे उसका रेट यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए आपको वी लुकअप का फार्मूला लगाना होगा। तो मैं लगा लेता हूँ वी लुकअप,
उसके बाद क्या निकालना चाहते हैं, यहीं से इसका जो रेट है वो निकालना चाहती हूँ। तो उधर उसके बाद ये टेबल एरे ले लिया, कॉमा दे दिया, क्या निकालना चाहते हैं, रेट। तो रेट का इंडेक्स कॉलम नंबर कितना है, दो है, तो मैंने दो दे दिया। उसके बाद करना है कॉमा फिर जीरो ब्रैकेट क्लोज। तो उसका देखिए जो आइटम है उसी का आपका रेट यहाँ पे शो कर रहे हैं। अभी इसका रेट चेंज करेंगे तो ये रेट भी चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सबका देखिए रेट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक रेट चेंज हो जाएगा। अभी इसको आप ब्लैंक करेंगे तो आपका वो रेट भी चला जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसका काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बिल जनरेट कर सकते हैं। कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे उसका रेट भी आ जाएगा। आप चाहे तो रेट वहाँ पे अपडेट करके रखेंगे तो कभी भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करना है आपको पूरा सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करेंगे तो क्या होगा, सभी ये फॉर्मूला सभी जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी करके मैं कर देता हूँ डिलीट। देखिए इसको कर देंगे जस्ट डिलीट। डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, ये आपका ऑटोमेटिक सब जगह में हो गया। तो इसमें क्वांटिटी आप मैनुअली कोई भी डाल देंगे तो उसका आ जाएंगे, देखिए इस प्रकार से कुछ। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला अब चाहते हैं जी इसका सीरियल नंबर ऑटोमेटिक कैसे आए, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है इसी तरह आप अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने सबसे पहले इक्वल ले लेता हूँ, इसके बाद लेता हूँ इफ़। इफ़ मतलब कंडीशन में काम करता है ये, अगर ये घर में कुछ लिखेंगे तो ही ये सीरियल नंबर आएंगे, इसके लिए इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मैंने इफ़ का फार्मूला यूज़ करने के बाद ये सेल को सिलेक्ट कर लिया, जो यही सेल पे अगर कुछ लिखेंगे तो इधर आपका सीरियल नंबर होगा, फिर लेस ग्रेटर देन फिर हाई ग्रेटर देन दोनों सिलेक्ट कर लेने का। उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर फिर आपका लिखना है कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने लिख देता हूँ रो। रो लिखने के बाद आपका क्या करना है, ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद ये ऑन लिख देने का और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। ध्यान से देखिए यहाँ पे जब भी ये ऑन लिखेंगे उससे पहले होना चाहिए आपका ब्रैकेट, वरना ऐसा एरर आएगा। लास्ट में तो ब्रैकेट होगा, डबल ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये। तो इससे पहले देखिए दो बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले देखिए ये ऑन लिखा है, उससे पहले आपको बाद में एक ब्रैकेट देना है, उससे पहले एक ब्रैकेट देना है, तभी ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें जस्ट जाके ये वन से पहले देखिए एक ब्रैकेट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए इधर मैं एक ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, उसके बाद देखिए यस कर देना, तो देखिए ये सीरियल नंबर आपका हो गया। अभी इसी को आपको देखिए ये पूरा फॉर्मूला आप देख लीजिए। ये फॉर्मूला देखने के बाद अब यहीं से यही फॉर्मूला के थ्रू आप काम कीजिए तो आपका सीरियल नंबर आ जाएगा आपका आइटम के हिसाब से। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, देखिए डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए सीरियल नंबर गायब हो गया। अभी नीचे में कुछ फॉर्मूला डाला नहीं है, इसके लिए नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करना है, स्क्रॉल करके सभी जगह अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करने के बाद सब जगह आपका हो गया, देखिए दो नंबर पर आ गया। अभी इसको डिलीट करेंगे दो नंबर भी डिलीट हो जाएगा। तो सीरियल नंबर आपको आइटम जैसा ही डालेंगे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर हो जाएगा, आपको एक एक करके सीरियल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्वांटिटी और आपका आइटम का नेम चूज़ करके यहाँ पे रखना है, आपका रेट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, अमाउंट भी ऑटोमेटिक जनरेट होता जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑटोमेटिक बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, देखिए सभी में आपको अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। जैसे इधर कर दिया था तो इधर भी देखिए क्वान्टिटी में डिलीट कर देता हूँ, तो इसमें क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने सभी जगह अप्लाई कर देता हूँ ये फॉर्मूला को। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद देखिए इसको भी पहले बना के रखा था मैंने फॉर्मूला, तो इसमें एरर आने के लिए आपको ये एरर हटाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ एरर का आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ले लेता हूँ इफ़ एरर। देखिए इफ़ एरर लेने के बाद इसमें कॉमा देने का, फिर डबल कोटेशन के अंदर ब्रैकेट क्लोज कर देना। डबल कोटेशन मैंने बीच में ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये ब्लैंक आ जाएगा, इसको स्क्रॉल करके नीचे कर देना है, बस आपका ये ब्लैंक हो गया। अभी किसी को कुछ लिखेंगे तो एरर नहीं रहेगा। देखिए अभी अमाउंट आ गया आपका, फॉर्मूला भी क्वांटिटी डालेंगे तो अमाउंट भी आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एरर हटा सकते हैं एरर, इफ एरर की फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो देखिए कुछ भी लिखेंगे तो उसके आगे आप एरर भी नहीं आएंगे, उसका सीरियल नंबर भी आपका एंट्री हो रहा है। देखिए कुछ आइटम एंट्री कर लीजिए आप, उसका सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा।
आपका उसका रेट भी आ जाएगा उसके आगे, और क्वांटिटी जैसे ही डालेंगे तो देखिए एक स्पेस छोड़ देता हूँ तो उसको 5 नंबर ले रहा है, क्योंकि ये सीरियल वाइज काम करता है। एक स्पेस छोड़ेंगे तो वह नीचे दूसरा स्टेप जो सीरियल नंबर होना चाहिए वही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं जो एक छोड़ देंगे तो 4 आएगा, वो सेल्स वाइज काम करता है। तो एक छोड़ के करेंगे तो ऐसा ही आपको सीरियल नंबर आएगा, ठीक है। तो देखिए मेरा कुछ इधर लिखा तो इसका रेट नहीं लिखा है, तो इसके लिए आपको ये 0 आ रहा था, तो मैंने रेट डाल दिया, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। नीचे आपका GST अमाउंट आ गया, CGST आ गया, ठीक है। तो वो टोटल होकर नीचे आपका मिल जाएगा। तो F2 करके मैंने इसको व्यू करके दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। देखिए इसको करके कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो आप चाहे इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार आपका इस आप ऑटोमेटिक GST इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। सब डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहना।